शराब की लत के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस में जानकारी दी हुई है। आज मैं बात करूंगा कि शराब की लत जो है, जिसको व्यसन है, अल्कोहल एडिक्शन है, तो वो क्यों खराब है, उसका क्या कारण है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्कोहल जो है, शराब, उसका व्यसन लगता है। व्यसन इसलिए लगता है कि उतना ही इफेक्ट आने के लिए ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, हर 3 हफ्ते के बाद में। अल्कोहल जो है वो इथेनॉल कंटेंट उसमें रहता है, मेनली अल्कोहल में इथेनॉल रहता है, और इथेनॉल वैसा घातक नहीं है। लोग हम देखते हैं मरते क्यों हैं, तो वो मिथेनॉल जिसमें कंटेंट है, जो ड्रिंक्स में मिथेनॉल कंटेंट है या आइसोप्रोपेनॉल है, वो लोग शराब पी के मरते हैं। मतलब जो तुरंत पॉइजनस जो है वो है मिथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। तो मिथेनॉल जो है, इसमें इसको मिथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, और वो कार या बोट के फ्यूल में रहता है मिथेनॉल, और वो पी के लोग मरते हैं। जो बोलते हैं ना कि हाथ भट्टी की पे लिया है ना, खेती में कोई पकड़ लिया शराब और वहाँ वो तैयार कर रहे थे, ज़्यादा उसमें मिथेनॉल रहता है या आइसोप्रोपेनॉल रहता है। आइसोप्रोपेनॉल जो है वो क्लीनिंग और डिसइन्फेक्टिंग जो एजेंट रहते हैं, एजेंट्स, डिसइन्फेक्शन करने वाले या क्लीनिंग करने वाले, उसमें आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल रहता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं उसको। तो अभी तक मैंने बताया 3, इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। तो हम जो, मतलब जो आम आदमी शराब पीता है, जो पब्लिक शराब पीते हैं, तो वो उसमें इथेनॉल है। और उसमें कौन से हैं, मतलब जो मेनली ड्रिंक्स लोग लेते हैं, वो है बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, ऐसे अलग अलग वेराइटीज़ है जिसमें अल्कोहल रहता है, और अल्कोहल मतलब उसमें इथेनॉल रहता है। और वैसा तुरंत वो कोई ऐसा फैटल नहीं है, पॉइजनस नहीं है। पॉइजनस कौन से है, मिथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। अब ये इथेनॉल है वो तुरंत कोई मारता नहीं है, मतलब कोई ऐसा फैटल नहीं है या पॉइजनस नहीं है, मगर इथेनॉल जो है वो लीवर और ब्रेन के ऊपर असर करता है। कुछ लिमिट तक ही लीवर उसको मेटाबोलाइज कर सकता है इथेनॉल को, मगर ज़्यादा पी लिया तो लीवर भी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है। ब्रेन के ऊपर जब इथेनॉल असर करता है, तो ब्रेन में कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का जो है, मतलब ब्रेन के ऊपर जब असर करता है, तो हमारे हाथ का कोऑर्डिनेशन, चलने का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए शराबी आदमी ऐसे ऐसे चलता है ना, बैलेंस निकल जाता है, या उसका जजमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाता है, जज नहीं कर सकता है, इसलिए फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मेनली कोऑर्डिनेशन, जजमेंट इफेक्ट हो जाता है, मेमोरी के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि विटामिन कम हो जाते हैं शराब पीते हैं, तो फिर विटामिन नहीं मिलते हैं ब्रेन को, तो ब्रेन के ऊपर फिर असर होता है मेमोरी के ऊपर। मतलब ब्रेन के ऊपर जब असर होता है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये मेनली बिकॉज कि अल्कोहल जब लेते हैं तो काफ़ी सारी कैलोरीज जाती है बॉडी में, उसके नशे में फिर आदमी जो खाना चाहिए वो खाता नहीं है, जो पीना चाहिए वो पीता नहीं है बाकी, और फिर डेफिशिएंसी डेवलप होती है। और इथेनॉल डायरेक्टली ब्रेन और लीवर के ऊपर असर करता है, तो फिर उससे भी लीवर डैमेज और ब्रेन डैमेज होते रहता है, और उससे भी फिर बॉडी के ऊपर असर होके धीरे धीरे डिटेरेशन होता है। अल्कोहलिक आदमी एक तो मर जाएगा बिकॉज ऑफ लीवर एंड ब्रेन डैमेज, या फिर पागल हो जाएगा क्योंकि ब्रेन के ऊपर असर करता है। अल्कोहलिक जो है उनका इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बोलते हैं कि नहीं हम सोशल ड्रिंकर है, मैं कुछ अडिक्ट नहीं हूँ, मुझे, मैं तो क्या जब मन में आया तब छोड़ दूंगा, ऐसे जो सोशल ड्रिंकर है, वो सोशल ड्रिंकर्स 6 में से 1 आदमी एडिक्ट बन जाता है। इसलिए सोशल ड्रिंकर जो है वो केले के छिलटे के ऊपर खड़ा है, कभी भी पैर घसर सकता है और वो एडिक्ट हो सकता है। शराबी का जो है, शराब का जो लत है, व्यसन जो है, उसका इलाज करने के लिए हमने रिहैब सेंटर भी चालू किया है। आप यदि पेशेंट के साथ में रह सकते हैं, तो पेशेंट के साथ में रह के हमारे ओपन हॉस्पिटल में उसका इलाज हो सकता है। यदि रिलेटिव पेशेंट के साथ में रह नहीं सकते हैं, तो उसका भी अकेले रखते हम इलाज करते रहते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हमारे रिहैब सेंटर में। मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी, योगासन, फिर खेलकूद, लाइब्रेरी, सब तरह का उनका दिन भर की दिनचर्या पक्की है,
जिसमें वो दिन भर बिजी रहता है, उसको नींद नहीं आती तो उसके लिए दवा देते हैं, भूख लगने के लिए दवा देते हैं, डेफिशिएंसी रहती है उसके लिए विटामिन्स देते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब उसको वहाँ से छोड़ते हैं, हम छुट्टी करते हैं, तो उसको एवर्शन थेरेपी के लिए डाइसल्फिराम देते हैं। डाइसल्फिराम ऐसी दवाई है कि जो लेने से यदि उसके ऊपर शराब लेता है वो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, खटक से ले लिया, अभी इच्छा नहीं है तभी भी, तो उसको मालूम है कि अभी शराब मैं लूँगा तो उसकी रिएक्शन आएगी, और रिएक्शन जब आती है उसको तो बहुत खतरनाक रिएक्शन भी आ सकती है, जिसमें हाथ पैर कांपना, पसीना आना, स्किन लाल हो जाना या बॉडी गर्म हो जाना, चक्कर आना, ऐसा होता है। इसलिए फिर वो शराब लेता ही नहीं है। शराब का इलाज करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।